अगर आप भी अपनी पिक्चर्स में कुछ इस तरह की टोन क्रिएट करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो है आपके लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक पिक्चर अपने इसमें ओपन की हुई है एंड अब हम इसके अंदर व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसके अंदर फिल्टर में जाऊंगा एंड साथ में पैरामेट्रिक फिल्टर्स ओपन करूंगा। तो गाइस फिल्टर्स वैसे कलर करेक्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। इस इमेज को और एनहांस करने के लिए मैं पैरामेट्रिक फिल्टर्स यूज करूंगा। और गाइस ये पैरामेट्रिक फिल्टर्स जो हैं अभी फोटोशॉप बीटा वर्जन में अवेलेबल है, फोटोशॉप नॉर्मल वर्जन में अवेलेबल नहीं है। तो गाइस अगर आपने फोटोशॉप परचेज किया हुआ है तो फोटोशॉप का बीटा वर्जन आज ही डाउनलोड कीजिए एंड पैरामेट्रिक फिल्टर्स यूज करने स्टार्ट कीजिए। कि सबसे पहले मैं पैरामेट्रिक फिल्टर्स पे क्लिक करूंगा ब्लैक एंड व्हाइट पे। तो जैसे ही मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक किया तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसने एक इमेज को इस तरह का बना दिया। इसमें मैं कोई भी सेटिंग नहीं छेड़ूंगा जबकि हम बहुत सारी सेटिंग्स है इसके अंदर जो हम प्ले करके देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमें इफेक्ट्स मिलेंगे। बट हम इसको सेम उसी इफेक्ट में रहने देंगे जिसमें फोटोशॉप ने उस फिल्टर को अप्लाई किया डिफॉल्ट सेटिंग्स पे। देन व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसकी ओपेसिटी कर दूंगा समवेयर बिटवीन 20-25। मैंने इसकी सेटिंग चेंज की, आप जैसा कि देख सकते हो इसमें एक सॉफ्टनेस आ गई पिक्चर के अंदर काफी ज्यादा, जो पहले नहीं थी। पहले काफी कॉन्ट्रास्टी एंड पॉप्ड अप पिक्चर थी। जब हमने पैरामेट्रिक फिल्टर अप्लाई किया तो उसने सेम लेयर के ऊपर अप्लाई नहीं किया, फोटोशॉप ने क्या किया एक न्यू लेयर बना दी उस फिल्टर को अप्लाई करने के लिए। अब इसके अंदर मैं सेकंड चीज अप्लाई करूंगा, दैट विल बी पैरामेट्रिक फिल्टर्स अगेन इसकी कलर करेक्शन करने के लिए। मैंने दोबारा से अपनी मेन बैकग्राउंड लेयर मैंने सिलेक्ट कर ली एंड फिल्टर्स पे जाके पैरामेट्रिक फिल्टर्स पे मैंने क्लिक किया एंड हेयर इज डुओ टोन। मैंने डुओ टोन पे क्लिक किया एंड गाइस इसने मुझे ये कलर बनाकर दे दिया। अगेन आई विल प्ले विद द ओपेसिटी, व्हाट आई फील इसकी अराउंड 30 के आसपास ओपेसिटी मुझे ठीक लग रही है एंड मैं थोड़ा सा कर्व्स में से इसको डाउन भी करना चाहूंगा हल्का सा। गाइस दैट्स इट। गाइस ये मेरी इमेज यहां पे हो गई है कंप्लीट एंड इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। जस्ट एक मिनट के अंदर आप पिक्चर ऐसे एडिट कर सकते हो, एक सॉफ्ट सी ड्रीमी सी एंड विंटेज सी प्यारी सी सिनेमेटिक सी टोन। एंड इसी के अंदर गाइस डुओ टोन में ये कलर बार्स हैं, आप इन कलर बार्स के साथ प्ले करके आप लुक चेंज भी कर सकते हो। आपको जो भी कलर डिजायर्ड हो, जो भी कलर आपका डालने का मन हो, कलर वन कलर टू, आप कलर्स चेंज भी कर सकते हो। तो गाइस इस पिक्चर के हिसाब से जो डुओ टोन वाले फिल्टर के अंदर कलर्स हैं, मेरे को वही कलर्स पसंद है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कलर्स चेंज करने की जरूरत है। तो गाइस मैं होप करता हूं कि आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी एंड आप इसका यूज करोगे अपनी पिक्चर्स को और ज्यादा एनहांस करने के लिए। एंड अगर ऐसी आपने और वीडियोज देखनी है तो गाइस सब्सक्राइब कर लो यार, फॉलो कर लो यार विपुल शर्मा फोटोग्राफी को। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप गाइस कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाएं। गाइस टेक केयर, बाय।